हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ। अभी मतलब लगभग बहुत सारे मुझे मैसेजेस डीएम्स आने लगे, क्योंकि मेरा इंस्टा पे जो हैंडल है आपको पता होगा, वहां पर मैं क्रिप्टो के एनालिसिस भी पोस्ट करता हूँ। और बहुत लोग मुझे मैसेजेस करने लगे कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, या फिर मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा कि इसी ब्रोकर में ट्रेड करो, यही ब्रोकर यूज करो। मैं एक अपना मतलब रिव्यू देने वाला हूँ कि मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ वो मुझे कैसा लग रहा है, किस तरीके के ट्रांजैक्शन है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन सभी देखूंगा और जो कुछ भी बताने वाला हूँ मैं सिर्फ मेरा रिव्यू बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको जाके आगे थोड़ा सा स्टडी करना होगा, रिसर्च करना होगा कितने ब्रोकरेज है यहाँ पर। जो भी हम क्रिप्टो में ट्रेड्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेजेस चार्जेस होते हैं, वो थोड़ा सा आपको पर्सनली देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ जितना नॉलेज मुझे आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। अगर बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे तो मैं इस एक टॉपिक के ऊपर, एक ब्रोकरेज टॉपिक के ऊपर क्रिप्टो के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वो इस वीडियो में नहीं बात बात करते। और सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि मैं जो ब्रोकर यूज करता हूं वो है बाइनेंस, ठीक है ना। अभी बहुत साल से तो यूज कर रहा, पर लगभग एक साल से मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट में तो बहुत बहुत अच्छा यहां पर टाइम पीरियड हो चुका है, पर क्रिप्टो में अभी भी मैं यहां पर सीख रहा हूँ, कुछ नया स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, इस वजह से कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं करता, ठीक है ना। पर स्टॉक मार्केट में अभी क्या हो चुका है, अब आपको पता होगा कि 1 तारीख से हमारा पूरा मार्जिन जाने वाला है। और जिन जिन लोगों का एक स्ट्रैटेजी है, उनके पास एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है, उनके पास उनके लिए एक डिसएडवांटेज वाली बात हो गई है, ठीक है ना, कि मार्जिन नहीं मिल रहा है। जो कि मार्जिन के साथ अच्छा सा कमा पाते थे, अब वो थोड़ा सा उनका इनकम डाउन हो जाएगा। उसी वजह से हम क्रिप्टो में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा मार्जिन यहाँ पर मिलता है। ये जो ब्रोकर है बाइनेंस, वो मुझे लगभग 125x तक मार्जिन लेता है, उतना मैं लेता नहीं हूँ, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम 1x लेना चाहते 1x मिल जाएगा, 20x लेना चाहते वो 20x दे देगा, पर मैक्सिमम कितना देगा, 125x तक देता है, ठीक है। 125x बहुत ज्यादा है, इतना कोई लेता भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ 20x तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें मार्जिन में मिल जाता है। और लगभग मुझे पता है कि एनुअल चार्जेस, जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो भी कुछ नहीं है, जीरो है। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सिंपली हम आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ हम लगभग 10 मिनट में ही यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर इंडिया में हमें कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा तो 2 दिन की प्रोसीजर होती है, वहां पर से कंफर्मेशन आता है। यहाँ पर आपको सिंपली 10 या फिर 20 मिनट में आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और सब कुछ मतलब एकदम फास्ट हो जाता है यहाँ पर। और सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेड करने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड करने को मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड करने को मिलता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक बन जाता है। अगर आपको उस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। और ये जो ब्रोकर है, हम यहाँ पर ब्रोकर के लिए वीडियो बना रहे, तो ये जो ब्रोकर है ये मैं 1 साल से यूज करता आ रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि डिपॉजिट करने के लिए, मनी मनी विड्रॉ करने के, बहुत ही पीटोपी ट्रेडिंग के हिसाब से मदद से बहुत ही सिंपल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और मेरे जो दोस्त है वो लगभग 3-4 साल से यूज कर रहे हैं, उनके रेफरेंस ही मैंने यहाँ पर अकाउंट ओपन किया और मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। ये मेरे व्यूज है, मेरे फ्रेंड्स से भी मैंने सबसे पहले पूछा ये वीडियो बनाने से पहले, तो उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है इस ब्रोकर के साथ। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए अकाउंट ओपन मत कीजिए, ठीक है। फिर भी यहाँ पर रिस्क एक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, वो हमारे गवर्नमेंट के साथ लिंक होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कल बंद पड़ जाए, पर गवर्नमेंट हमें एक फिक्स्ड अमाउंट देती है। हमारा जो अकाउंट वैल्यू होता है वो लगभग, मैं आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट, अगर ये ब्रोकर्स बंद हो जाए, आगे जाकर कुछ हो जाए उनमें, तो एक गवर्नमेंट हमें एक फिक्स वैल्यू देती है। पर उसी तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो में अभी तक ट्रांसपेरेंसी हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। उसी वजह से एक रिस्क फैक्टर रहता है कि यहाँ पर अकाउंट ओपन करे या फिर ना करे। फिर भी मैं यहाँ पर एक मिनिमल अमाउंट यहाँ पर रख सकता हूँ, एक अच्छा मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकता हूँ, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाइनेंस ब्रोकर मैं यूज करता हूँ। आप भी थोड़ा सा रिसर्च स्टडी करिए और फिर ही आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन अगर आपको करना होगा तो लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो सिंपल सा क्या होगा, कुछ नहीं, आप जो ब्रोकरेज
इन ब्रोकर्स को प्रे करोगे उससे थोड़ा सा अमाउंट मुझे मिल जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं। अगर आप इस वाले ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिटेल वीडियो सीरीज चाहिए तो मुझे बता देना, मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है ब्रोकरेज का, सभी सभी फैक्टर्स, जो भी फंडामेंटल, जो भी, वो ट्राई करूंगा कि वीडियोज इस पे बनाऊं। और आज के वीडियो में इतना ही रखते, थैंक यू वेरी मच।